महात्मा जितने खाए गए थे राक्षसों द्वारा, वह प्रत्येक महात्मा इतने दिव्य पुरुष थे कि वो श्राप दे देते तो राक्षसों का वंश ही खत्म हो जाता, लेकिन वो खुद को खवा लिए लेकिन श्राप नहीं। मित्रों कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी हमारे चैनल ब्लॉग गुरु जी। मित्रों जिस तरह का थंबनेल आपने देखा होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साधु संत सन्यासी महात्मा इन सभी में क्या भेद है, मतलब इनका अर्थ क्या होता है और कौन सन्यासी हो सकता है कौन साधु हो सकता है, इसकी पूरी आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक पंडित हूं और मैं भी अपने बाबा दादाओं से गीता रामायण इत्यादि चीज़ों का पाठ करते बचपन से चला आया हूं। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है जो कि मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करूंगा, अपने मतानुसार आपको बताऊंगा जो कि शास्त्रोक्त होगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं बागेश्वर धाम सरकार, करौली सरकार और जो पंडोकर सरकार हैं, इस तरह के जो सरकार लोग हैं इनकी बात करता हूँ। मित्रों आप सभी जानते ही होंगे कि इनका कोई एक परम उद्देश्य होता है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार का उद्देश्य क्या है आप सभी जानते हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, है ना। करौली सरकार का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जैसे कि वो पैसा लेकर के काम करते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। ऐसे ही पंडोकर सरकार का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो जो इस तरह के जो सरकार लोग होते हैं मित्रों, वो एक उद्देश्य से काम करते हैं, इन्हें हम साधु नहीं कह सकते हैं। साधु की परिभाषा ये होती है कि साधु, साधु शब्द से ही आपने देखा होगा कि देवताओं ने हर जगह पे साधु साधु शब्द का प्रयोग किया है। साधु मतलब सीधा सरल स्वभाव, वह ज्ञानी हो ध्यानी हो यह आवश्यक नहीं है, वह साधु है, सीधा है, अच्छा है। साधु शब्द का मतलब अच्छा होता है, तो जो नेक है, नेक दिल इंसान है वो है साधु। संत वो होता है जब, संत का अर्थ ही होता है सा अंत, मतलब सब कुछ का अंत कर देने वाला, सब कुछ समाप्त करके इस संसार से किसी चीज से मतलब ना रखे, वह है संत, जो कि सब कुछ का अंत करके तब बनता है संत। सन्यासी भी ऐसे ही होते हैं, किसी चीज का परित्याग करने वाला ही सन्यासी कहा जाता है। साधु की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो त्रेता युग में आपने सुना होगा कि रामा अवतार में, राम अवतार होने से पहले बहुत सारे साधुओं को राक्षस लोग जो थे वो खा करके हड्डियों का घूरा लगा दिए थे, है ना। लेकिन उन साधुओं में जितने संत थे, वो महात्मा जितने खाए गए थे राक्षसों द्वारा, वह प्रत्येक महात्मा इतने दिव्य पुरुष थे कि वो श्राप दे देते तो राक्षसों का वंश ही खत्म हो जाता, लेकिन वो खुद को खवा लिए लेकिन श्राप नहीं दिए, है ना। तो वो थे संत, वो थे साधु। तो साधु की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आपके सिर पे कोई डंडा मार के भाग जाए आपको, यहाँ तक कि जान से मार दे तो भी साधु नहीं बोलते हैं, वो किसी चीज़ की लालच नहीं करते हैं मित्रों, वो होते हैं साधु। उस संसार में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, परमात्मा करेंगे जो करेंगे, उन्हें मारो डांटो कुछ भी कर दो वो नहीं बोलेंगे, ये है साधु। साधु की परिभाषा ये होती है, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, वो सरल स्वभाव के होते हैं, सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं। सन्यासी की मैंने आपको परिभाषा बता ही दी। ऐसा नहीं है मित्रों कि साधु संत गुस्सा नहीं किए हैं, लेकिन वो श्रेणी की श्रेणी में आते थे, वो भी ध्यान लो। जैसे हमारे भृगु महाराज थे, भृगु ऋषि आप सभी पता ही है, वह ना तो साधु थे और ना ही संत थे, वह ब्रह्म ज्ञानी थे, वो परम ज्ञानी थे, उन्हें महात्मा कहा जा सकता है, वह महात्मा थे, महान आत्मा कहे जा सकते हैं। वह ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले, परम त्रिकालदर्शी थे, तो वह ब्रह्म ज्ञानी कहे जा सकते हैं, ब्रह्म महर्षि कहे जा सकते हैं, लेकिन वह साधु नहीं थे, वह संत नहीं थे। इस तरह के ऋषि हैं जो कि बहुत क्रोध आकर के तुरंत श्राप दे दिया करते थे। तो आजकल के जो बाबा लोग हैं, यह एक उद्देश्य से चलते हैं, यह किसी विशेष उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, यह अच्छे हैं, ऐसा नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे परिभाषा खाली बता रहा हूँ। ये लोग भी भगवान का जाप करते हैं, ये लोग भी भगवान का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये साधु कहे नहीं जा सकते हैं, यह संत नहीं कहे जा सकते हैं, यह कर्मयोगी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये कर्म कर रहे हैं किसी एक उद्देश्य के हेतु। तो मेरा मतलब सिर्फ आप सभी को समझाना था कि यह साधु संत की श्रेणी में नहीं आते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं वो भी साधु की श्रेणी में नहीं हैं, तो कर्मयोगी हैं वो भी। तो बस मेरे हिसाब से जो था मैंने आपको बताया, आपको जो सही लगता है अपनी राजा रुकमण बताना। जय श्री राम।